हे गाइस वेलकम बैक। आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल स्पीड टेस्ट करने वाले हैं रियलमी 7 वर्सेस माइक्रोमैक्स इन नोट 1। मतलब यहाँ पे होने वाला है मीडियाटेक हेलियो G95 वर्सेस मीडियाटेक हेलियो G85। और यहाँ पे मैं यार माइक्रोमैक्स इन नोट 1 को कल रात से यूज़ कर रहा हूँ। इसमें आपको स्टॉक एंड्रॉयड देखने को मिल जाता है, बहुत ज़्यादा स्नैपी है। बस यार माइक्रोमैक्स को अपने बिल्ड क्वालिटी के ऊपर काम करना चाहिए और कैमरा के सॉफ्टवेयर में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट करना चाहिए। बाकी यार ये 11,000 में बहुत ठीक ठाक मुझे फ़ोन लगा पर्सनली। और मुझे जो यूनिट मिला है इसमें भी कुछ डिफेक्टिव या कुछ ये साइट से बाहर वगैरह मुझे कुछ भी देखने को नहीं मिला। अनबॉक्सिंग का वीडियो मैंने कल ही डाला है अपने चैनल के ऊपर, आप चेकआउट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया सा यूनिट मुझे मिला है। तो सबसे पहले माइक्रोमैक्स इन नोट मुझे जो मैंने जो परचेस किया है वो किया है 4GB 64GB वाला, और ये रियलमी 7 है 6GB 64GB वाला। तो सबसे पहले यहाँ पे अपडेट्स की बात करें तो रियलमी 7 में चल रहा है लेटेस्ट A65 ही आया था। मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ सॉफ्टवेयर, सॉरी यहाँ पे अबाउट फोन, यहाँ पे देख सकते हो ये चल रहा है लेटेस्ट A65 के ऊपर। और यहाँ पे मैंने चेकआउट किया, माइक्रोमैक्स इन नोट 1 के लिए भी सिस्टम अपडेट पुश आउट हो चुका है, बट अभी भी मेरे फ़ोन के लिए ये अपडेट नहीं मिला है। और इसका जो मल्टीटच का जो इशू था, बग था, वो फिक्स करने के लिए यहाँ पे मैंने जो इसका एक ऑप्शन है 3 finger screenshot, इसको मैंने ऑफ किया है। और ये ऑफ करते ही मल्टीटच का भी इशू यहाँ पे सॉल्व हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि यार एक्चुअली कौन सा फ़ोन फास्ट है। यहाँ पे रियलमी में आपको देखने मिलता है रियलमी UI, और माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में आपको देखने मिलता है स्टॉक एंड्रॉयड, जो यार प्योर स्टॉक एंड्रॉयड नहीं है, थोड़ा सा कस्टमाइजेशन है, बट यार मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है। सो फटाफट टेस्ट कर लेते हैं। और सबसे पहले यहाँ पे रियलमी 7 में आपको देखने को मिलता है डिस्प्ले सेक्शन में एक्स्ट्रा 90Hz डिस्प्ले रिफ्रेश रेट, जो आपको माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में देखने को नहीं मिलता, यहाँ पे देख सकते हो। और उसके साथ यहाँ पे रियलमी 7 जब सेल में आता है, मतलब फ्लिपकार्ट पे अलग अलग सेल होते हैं, तभी यार लगभग ये 12-12.5 हज़ार में देखने को मिल जाता है। और माइक्रोमैक्स इन नोट 1 की प्राइस है 11,000, और 11,000 में मैं मान सकता हूँ यार ये किलर फ़ोन है। तो स्टार्ट कर लेते हैं प्रैक्टिकल टेस्ट को। और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, और ओनली 1,000 लाइक का टारगेट रखते हैं। मुझे पता है यार आप 1,000 लाइक जरूर कंप्लीट करोगे। सो गाइस सबसे पहला टेस्ट कर लेते हैं फ्लैश लाइट इंटेंसिटी का टेस्ट। मतलब हम देखेंगे इन दोनों में से किस फ़ोन का फ्लैश लाइट आपको ज़्यादा तेज देखने को मिलता है। तो दोनों भी फ़ोन में सिंगल टोन फ्लैश लाइट देखने को मिलता है, बट माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में आपको बहुत बड़ा फ्लैश लाइट का मॉड्यूल यहाँ पे देखने को मिल जाता है। तो इसको हम कैसे करेंगे, तो यहाँ पे हमारे पास एक डिस्प्ले है जो LUX में आपको लाइट कितना आ रहा है ये बता देगा। तो सिंपली इसका फ्लैश लाइट ऑन करेंगे इस फ़ोन के, दोनों भी फ़ोन के, और इन्हें सेम डिस्टेंस से इसका फ्लैश लाइट इस डिस्प्ले के ऊपर हम डाल देंगे, तो ये LUX में लाइट को बता देगा। और जितना LUX का वैल्यू ज़्यादा होगा उतना फ्लैश लाइट आपको तेज देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हो ये जो सराउंडिंग लाइट है इसका ये LUX में बता रहा है। तो यहाँ पे सबसे पहले कर लेते हैं रियलमी 7 का फ्लैश लाइट ऑन, और यहाँ पे देख लेते हैं कि ये कितना वैल्यू हमें दे पाता है। तो यहाँ पे मैंने किया फ्लैश लाइट को ऑन, और यहाँ पे रखता हूँ इस डब्बे के ऊपर, और यहाँ पे मैं कर लेता हूँ मेरे रिंग लाइट को ऑफ। तो यहाँ पे देख सकते हो ये एक्चुअल वैल्यू है, और लगभग आ रहा है 389। और इसके बाद हम टेस्ट कर लेते हैं माइक्रोमैक्स इन नोट 1 का। तो यहाँ पे देख सकते हो रियलमी 7 का वैल्यू आ रहा है 389 लगभग LUX में। इसके बाद हम चेक कर लेते हैं माइक्रोमैक्स इन नोट 1 का वही सेम डिस्टेंस से, और गाइज ये शो कर रहा है 512। मतलब लगभग बहुत ज़्यादा वैल्यू यहाँ पे माइक्रोमैक्स इन नोट 1 दिखा रहा है। मतलब माइक्रोमैक्स इन नोट 1 का जो फ्लैश लाइट है वो आपको रियलमी 7 से बहुत तेज देखने को मिल जाता है, क्योंकि यार इसका मॉडल भी आपको बड़ा देखने को मिलता है। सो गाइज यही छोटी छोटी चीज़ें होती है जो हमें देखनी चाहिए। तो यहाँ पे माइक्रोमैक्स इन नोट 1 क्लियरली विन हो जाता है फ्लैश लाइट इंटेंसिटी टेस्ट में। नेक्स्ट टेस्ट में हम करेंगे एक जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट, और देख लेते हैं कि सबसे पहले कौन सा फ़ोन एक्सट्रैक्ट कर पाता है, और जो एक्सट्रैक्ट किए हुए जो फाइल्स है उसको हम इंटरनल स्टोरेज में ही कॉपी करेंगे, और देख लेते हैं कॉपिंग का भी स्पीड आपको किस फ़ोन में ज़्यादा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ Xiaomi का फाइल मैनेजर, क्योंकि यहाँ पे माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में आपको कोई भी
कंपनी का फाइल मैनेजर देखने को नहीं मिलता और गूगल फाइल्स यहाँ पे फाइल को एक्सट्रैक्ट करना वगैरह सपोर्ट नहीं करता है। तो दोनों भी फ़ोन में सेम ऐप है और सेम साइज़ का यहाँ पे एक जिप फाइल है, तो फटाफट कर लेते हैं एक्सट्रैक्ट और देख लेते हैं सबसे पहले कौन सा फ़ोन यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर पाता है। सो यहाँ पे करता हूँ सिलेक्ट और यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करने का ऑप्शन मिल जाता है दोनों भी फ़ोन में, तो यहाँ पे नीचे रख देता हूँ और स्टार्ट कर लेते हैं। सो 1 2 और गो। सबसे पहले यहाँ पे Realme 7 ने इस फाइल को एक्सट्रैक्ट किया है और इसके बाद यहाँ पे अभी भी Max इन नोट 1 इस फाइल को एक्सट्रैक्ट ही कर रहा है, तो लगभग डिफरेंस मान सकते हैं 10-15 सेकंड का। ओके, तो यहाँ पे एक्सट्रैक्टिंग कंप्लीट हो चुका है दोनों भी फ़ोन में, तो 10-15 सेकंड का डिफरेंस आप मान सकते हैं। उसके साथ इस सेम फाइल को हम दूसरे फोल्डर में कॉपी करेंगे। सो कर लेते हैं कॉपी, स्टार्ट 1 2 और गो। और सबसे पहले यहाँ पे कॉपी कर लिया है Realme 7 ने और यहाँ पे भी आप मान सकते हो 10-15 सेकंड का डिफरेंस है दोनों फ़ोन में। सो मूविंग मतलब कॉपी और जिप फाइल को एक्सट्रैक्ट करने के टेस्ट में यहाँ पे Realme 7 क्लियरली जीत जाता है। और नेक्स्ट टेस्ट में हम करेंगे KineMaster एप्लीकेशन से एक वीडियो को रेंडर और देख लेते हैं कि सबसे पहले कौन सा ऐप वीडियो को रेंडर कर पाता है। तो यहाँ पे मैं दोनों भी फ़ोन में सेम लेंथ का वीडियो यहाँ पे क्रिएट कर लेता हूँ, उसके बाद आपको दिखा देता हूँ और हम सेम टाइम पे वीडियो रेंडरिंग स्टार्ट करेंगे मतलब एक्सपोर्टिंग, और देख लेते हैं कि सबसे पहले कौन सा फ़ोन वीडियो को एक्सपोर्ट कर पाता है। सो गाइस, दोनों भी फ़ोन में सेम वीडियो मैंने यहाँ पे क्रिएट कर लिया है और यहाँ पे देख लेते हैं कि ये कहाँ तक वीडियो एडिटिंग को सपोर्ट कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे Realme 7 की बात करें तो ये FHD 1080p तक वीडियो को सपोर्ट कर लेता है एडिटिंग को, और ये Micromax इन नोट 1 भी आपको FHD 1080p तक ही सपोर्ट दे पाता है। तो यहाँ पे सब कुछ हाई कर लिया हूँ और दोनों भी वीडियो का लेंथ सब कुछ यहाँ पे सेम हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे साइज़ भी आपको दोनों भी फ़ोन में सेम देखने को मिलेगा, 468 और यहाँ पे स्टार्ट कर लेते हैं एक्सपोर्टिंग को 1080p में और देख लेते हैं कि सबसे पहले कौन सा फ़ोन यहाँ पे फिनिश कर पाता है। सो आते हैं एक्सपोर्ट के ऊपर, यहाँ पे एक ऐड आएगा और यहाँ पे 1 2 और स्किप के ऊपर गो। तो सबसे पहले यहाँ पे Realme 7 ने फिनिश कर लिया है वीडियो एक्सपोर्टिंग को और जैसे ही फिनिश किया तो यहाँ पे मुझे एक्चुअली देखना था कि उसके बाद Micromax इन नोट 1 कितने टाइम में फिनिश करता है। तो यहाँ पे मैंने स्टॉप वॉच को ऑन किया है और क्लियरली यहाँ पे टाइम आप देख सकते हो। या Micromax इन नोट 1 में Realme 7 ने फिनिश करने के बाद लगभग 21 सेकंड आप बोल सकते हैं 21 सेकंड के बाद यहाँ पे इसने वीडियो एक्सपोर्टिंग को फिनिश किया है। तो उसके साथ कर लेते हैं सिस्टम बेस्ड एप्लीकेशन ओपन और देख लेते हैं कि सबसे पहले कौन सा फ़ोन ओपन कर लेता है। तो यहाँ पे मैं गैलरी ऐप यूज़ कर रहा हूँ गूगल का, क्योंकि Micromax इन नोट 1 में आपको कोई भी कस्टम गैलरी ऐप देखने को नहीं मिलता है। तो यहाँ पे सबसे पहले कर लेते हैं फ़ोन APK और दोनों भी फ़ोन में सेम गूगल के डायलर और मैसेज ऐप वगैरह देखने को मिल जाते हैं। तो सबसे पहले फ़ोन APK, सो 1 2 और गो। तो सबसे पहले यहाँ पे ओपन हो चुका है Realme 7 में, ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। उसके बाद मैसेज 1 2 गो और मैसेज भी Realme 7 में ही सबसे पहले ओपन हो चुका है। उसके बाद सेटिंग ऐप 1 2 गो, सेटिंग ऐप भी Realme 7 में ही सबसे पहले ओपन हुआ है। इसके बाद फोटो 1 2 गो, फोटो दोनों भी फ़ोन में ऑलमोस्ट सेम, यहाँ पे कोई मुझे डिफरेंस नज़र नहीं आया। उसके बाद यहाँ पे कैमरा ऐप 1 2 गो और कैमरा ऐप भी Realme 7 में ही ओपन हुआ है। तो मैक्सिमम सिस्टम बेस्ड एप्लीकेशन Realme 7 यहाँ पे ओपन कर लेता है। सो दोनों भी फ़ोन सेम वाईफाई नेटवर्क से कनेक्टेड है, तो कर लेते हैं Antutu बेंचमार्क स्कोर टेस्ट और देख लेते हैं किस फ़ोन में आपको बेटर Antutu बेंचमार्क स्कोर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। और यहाँ पे टेस्ट को हम सेम टाइम में स्टार्ट करेंगे और देख लेते हैं सबसे पहले कौन सा फ़ोन Antutu बेंचमार्क स्कोर को फिनिश कर लेता है। तो यहाँ पे रखता हूँ नीचे और कर लेते हैं स्टार्ट। सो 1 2 और गो। तो
गाइज बेंचमार्क स्कोर हमारे सामने निकल के आ चुके हैं और सबसे पहले एंटीटू बेंचमार्क स्कोर को फिनिश किया था रियलमी 7 ने और ये टेस्ट हमने सेम टाइम पे ही स्टार्ट किया था और उसके बाद इन नोट 1 ने। तो यहाँ पे स्कोर आप देख सकते हो और मान सकते हैं लगभग 90,000 का यहाँ पे स्कोर में डिफरेंस है और यहाँ से हमें पता चल रहा है कि मेडिटेक हेलियो G85 से बहुत ज़्यादा पावरफुल है। बस यहाँ पे G85 और G95 में 10 पॉइंट्स का डिफरेंस है, पॉइंट्स या नंबरिंग कुछ भी बोल सकते हैं, बट G95 बहुत ज़्यादा पावरफुल है जैसे कि स्कोर से ही आपको पता चल रहा होगा। सो गाइज उसके साथ कर लेते हैं फिंगरप्रिंट टेस्ट और देख लेते हैं फिंगरप्रिंट किसका फास्ट आपको देखने को मिल जाता है। रियलमी 7 में आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट देखने को मिलता है तो बैक साइड में आपको यहाँ पे भी फिजिकल फिंगरप्रिंट माइक्रोमैक्स इन नोट 1 में देखने को मिल जाता है। तो फटाफट कर लेते हैं टेस्ट और देख लेते हैं यार किसका फिंगरप्रिंट यहाँ पे फास्ट है। तो सो 1 2 और गो 1 2 गो 1 2 गो 1 2 go 1 2 go 1 2 go 1 2 go 1 2 go। या गाइज रियलमी 7 का फिंगरप्रिंट मुझे फास्ट देखने को मिला और मे भी अपडेट दे के माइक्रोमैक्स इन नोट 1 का भी फिंगरप्रिंट आपको इम्प्रूवड देखने को मिल सकता है। सो गाइज ऐसा कुछ ये प्रैक्टिकल स्पीड टेस्ट था और मेडिटेक हेलियो G95 और G85 में मुझे एक्चुअली यहाँ पे डिफरेंस देखने को मिला और इन दोनों फ़ोन का भी प्राइस डिफरेंस आपको देखने को मिल जाता है और उसी हिसाब से माइक्रोमैक्स इन नोट 1 11,000 के हिसाब से बहुत ज़्यादा बेटर परफॉर्म करता है और रियलमी 7 का भी परफॉर्मेंस मुझे बहुत बढ़िया देखने को मिला। ये दोनों अपने अपने प्राइस रेंज में बहुत बढ़िया परफॉर्म करते हैं बट यहाँ पे बात करूँ एक्चुअली मुझे क्या लगा तो यहाँ पे माइक्रोमैक्स इन नोट 1 G95 से मतलब रियलमी 7 से यार आपको स्लो है बट यहाँ पे ज़्यादा भी स्लो नहीं है। 10-15 सेकंड से मुझे कुछ कुछ स्पीड टेस्ट में यहाँ पे ये स्लो देखने को मिला। बाकी यार ओवरऑल बात करूँ तो ये 11,000 में बहुत बढ़िया फ़ोन है। यहाँ पे यार माइक्रोमैक्स ने ये जो फ़ोन निकाला है नोट 1 ये मुझे एक्चुअली बहुत बढ़िया लगा और यहाँ पे मैं आज से ही मेरा प्राइमरी सिम कार्ड इसमें डाल के यूज़ करना स्टार्ट करूँगा और इसके बहुत सारे मेरे वीडियोज़ आएंगे। लाइक करना, सब्सक्राइब जरूर करना। जय हिंद दोस्तों।